अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी दूसरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताई जा रही है। भ्रांतिमान अलंकार जब एक जैसे दिखाई देने के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है या समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम होता है तब इसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में जहां उपमान और उपमेय दोनों को एक साथ देखने पर उपमान का निश्चयात्मक भ्रम हो जाए, मतलब जहां एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है, अर्थात उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। उदाहरण, नाक का मोती अधर की कांत से, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझ कर भांति से, देख कर सहसा हुआ सुकमौन है, देख कर सहसा हुआ सुकमौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। इस पंक्ति में नाक में तोते का और दंत पंक्ति में अनार के दाने का भ्रम हुआ है, यहां भ्रांतिमान अलंकार है। बादल काले काले केसों को देखा निराले, बादल काले काले केसों को देखा निराले, नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मतवाले, पालतू मोर मतवाले। पाए महावर दीन को नाइट, पाए महावर दीन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी भीड़त जाए, फिर जानी महावरी एड़ी भीड़त जाए। उपरोक्त उदाहरण भ्रांतिमान अलंकार के हैं। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें।